ओ भाई लो, कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करा, पूछा कि सिकंदर मूवी की शूटिंग के क्या हाल चल रहे हैं। दोस्तों, आपने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई और नहीं बताया कि भाई सिकंदर मूवी की शूटिंग चल भी रही है या बंद हो चुकी है। प्रॉपर क्या हाल चल रहे हैं दोस्तों, कहाँ पर शूटिंग चल रही है? आज की वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सिकंदर मूवी के बारे में कई सारी बातें करने वाले हैं। सिकंदर मूवी की शूटिंग कहाँ पर चल रही है, इसका जो सेकंड शेड्यूल था वो ख़त्म हो गया या दोस्तों वही चल रहा है? बाकी यहाँ पर देखा जाए तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए चैनल सपोर्ट करें दोस्तों। तो भाई सिकंदर मूवी के दो शेड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, दोनों शेड्यूल ही बम्बई के अंदर रखे गए थे, जिसमें पहला शेड्यूल में दोस्तों रश्मिका और सलमान खान दोस्तों एक साथ दिखे थे, और गाइस यहां पर देखा जाए तो दूसरे शेड्यूल में भी सलमान खान और रश्मिका दोस्तों भाई साहब एक साथ दिखे थे। इस तरह की बातें बताई जा रही है, कहने का मतलब है कि भाई दोनों शेड्यूल बम्बई के अंदर रखे गए, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। और दोस्तों पहले अपडेट निकल के सामने आ रही थी कि भाई सलमान खान का जो थर्ड शेड्यूल होगा वो 6 अगस्त को शुरू होगा, लेकिन दोस्तों अब एक दिन बढ़ चुका है, यानी कि 7 अगस्त को इसका जो थर्ड शेड्यूल है वो दोस्तों शुरू होगा, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि भाई ये जो शेड्यूल होगा इसके अंदर सिर्फ एक्शन सीक्वेंस ही शूट करे जाएंगे, यानी कि एक लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस होने वाला है दोस्तों, यानी कि ये जो शेड्यूल होगा काफ़ी बड़ा होगा, इसके अंदर कई सारे एक्शन सीक्वेंस होंगे, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो यानी कि बड़े पैमाने पर इसका जो एक्शन सीक्वेंस शूट होगा वो लाजवाब होगा, क्योंकि जो सिकंदर मूवी है इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल सकता है, ये एक्शन थ्रिलर मूवी नहीं है, यानी कि आपको जैसे कि आपने गजनी मूवी देखी थी इसके अंदर आपने मार धाड़ भी देखा दोस्तों, रोमांटिक भी देखा, सॉन्ग भी देखे, बाकी दोस्तों कहानी भी देखी, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। ऐसी दोस्तों सिकंदर मूवी होने वाली है, जो कि इस तरह की बातें बताई जा रही कि भाई साउथ की मूवी का रीमेक है, लेकिन दोस्तों मैं पक्का कंफर्म करता हूं कि भाई सिकंदर मूवी कोई भी रीमेक नहीं है। अब सलमान खान कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे दोस्तों उसके करियर की दोस्तों भाई माँ बहन एक हो जाए, इस तरह की बातें बताई जा रही है। बाकी सिकंदर मूवी का जो नेक्स्ट शेड्यूल यानी कि थर्ड शेड्यूल चल रहा है, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों, ये बम्बई में ही शूट होगा, बाकी नॉट कन्फर्म है, जैसी कन्फर्म हो आपको बता दूंगा, बाकी अगर और अपडेट आती है मैं आपको कन्फर्म बता देता। यानी थर्ड शेड्यूल जो होने वाला जिसका लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस शूट होने वाला है वो बम्बई के अंदर ही होगा, अभी कंफर्म नहीं है, जैसी कंफर्म होगा मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना दूंगा भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो यानी कि सिकंदर मूवी के अब तक दो शेड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं, और दोस्तों थर्ड शेड्यूल चालू होना जो कि 7 अगस्त को, इस तरह की बातें बताई जा रही है। बाकी और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि भाई सिकंदर मूवी में जो विलन का करेक्टर होने वाला है वो संजय दत्त का होने वाला है, अभी नॉट कन्फर्म है, जैसी कन्फर्म होगा इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो बाकी सिकंदर मूवी के स्टार कास्ट की बात करें, सलमान खान रश्मिका लीड रोल के अंदर हैं, इसके डायरेक्ट करा AR मुरुगोदास, इसकी जो स्टोरी लिख गई है वो भी डायरेक्टर साहब ने लिखी है AR मुरुगोदास। बाकी मूवी की जो स्टोरी होने वाली है वो एक्शन ड्रामा होने वाली है भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी इस मूवी का जो प्रोड्यूसर है साजिद नाडियावालिया, इस मूवी का बजट 400 करोड़ के पार है, बाकी ये हिंदी मूवी है, बाकी पैन इंडिया लेवल पर भी रिलीज़ कर जाएगी, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। बाकी इस मूवी की जो रिलीज डेट होने वाली है वो ईद 2025 पे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भाई सिकंदर मूवी सलमान खान का करियर को बदल देगी और दोस्तों सलमान खान को एक नई पहचान देगी दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि बॉलीवुड का हाल जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है दोस्तों भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाकी आप सिकंदर मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो